वेलकम टू इन्वायरमेंट सीरीज। दिस सीरीज इज इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस एंड टीचिंग एग्जाम्स आल्सो। सो लेट्स बिगिन। हमारा जो आज टॉपिक है वो है प्रकृति में कार्बन चक्र। तो प्रकृति में कार्बन चक्र जो है वो कैसे, किस प्रक्रियाओं के द्वारा पहुँचता है, ठीक है, कौन सी गैस होती है उसमें, तो हम वह जानेंगे। तो कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से सबसे पहला पॉइंट, कोई भी कार्बनिक पदार्थ है उसका विलय हो रहा हो, ठीक है, अपघटन हो रहा हो, जीवधारियों द्वारा श्वसन प्रक्रिया से, ठीक है, जो भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ह्यूमन बीइंग है, तो वो श्वसन प्रक्रिया जो भी करते हैं तो उससे, ज्वालामुखी प्रक्रिया से और जीवाश्म ईंधन के दहन से, जो भी हम लोग ईंधन का प्रयोग करते हैं, जीवाश्म ईंधन वो जलाते हैं तो उसके दहन से, ठीक है। तो इन चार चीज़ों से, कौन कौन, फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं, तो कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से, जीवधारियों द्वारा श्वसन की प्रक्रिया से, ज्वालामुखी प्रक्रिया से, जीवाश्म ईंधनों के दहन से, जो CO2 है, इन चारों से जो CO2 है वो कार्बन चक्र में पहुंचती है, ठीक है। तो इन चारों से प्रकृति में कार्बन चक्र जो है वो CO2 जो है वहां पहुंचती है, और ये जो CO2 होती है वो प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की मात्रा को नहीं बढ़ाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किसको, किसकी मात्रा को ये नहीं बढ़ाता है, ठीक। तो इन चारों से CO2 जो है वो कार्बन चक्र में पहुंचती है, और जो CO2 जो होती है वो प्रकाश संश्लेषण की मात्रा को नहीं बढ़ाता है, ठीक है। फिर सेकंड टॉपिक हमारा वायुमंडल की गैसें। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि गैसें जो हैं वो किसमें कौन सी अधिक है, पाई जाती है वायुमंडल में, और कौन कम पाई जाती है। तो 7 गैसें जो है वो हमारी वायुमंडल में होती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम और मीथेन। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो कौन होती है, तो नाइट्रोजन होती है, सबसे नंबर 1 पर होती है, ठीक है, तो 78.08% होती है। और फिर वहीं ऑक्सीजन जो होती है वो 20.95% होती है, जिसे हम लोग अप्रॉक्स बोल देते हैं 21%। फिर आर्गन जो होती है 0.93% होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो 0.038% होती है, नियॉन वहीं होती है 0.0018%, और हीलियम जो होती है वो होती है 0.00015%। फिर मीथेन वही लास्ट में होता है, तो वो होती है 0.0017%, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कौन होती है, तो नाइट्रोजन में, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन पाई जाती है 78.08%, और सबसे कम जो गैस पाई जाती है वो कौन पाई जाती है, तो मीथेन पाई जाती है 0.00017%, ठीक है। तो एग्ज़ाम में, वनडे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस यहाँ से आता है, ज़रूर आपको देखने को मिल सकता है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग ऐसे ही नए टॉपिक के साथ, जो वनडे एग्ज़ाम में पूछे ही जाने हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। जय हिंद, जय भारत।